स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन, मैं एक यूट्यूबर हूं और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु यूट्यूब चैनल। तो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास जैसे कि बाइक आया है होंडा कंपनी का सीवी यूनिकॉर्न, इसमें रीजन क्या है, ख़राब क्या है, कस्टमर बहुत ही परेशान हो गया है। जो बाइक का व्हील होता है, डिस्क ब्रेक होता है, वो जाम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये व्हील हम लोगों का जैसे कि नहीं आ रहा है और यहाँ हम लोगों का ब्रेक छोड़ दिया है, देखिए। और कितना व्हील जाम्प है, इंजन हम लोगों का बहुत ओवर हीट हो रहा है, एकदम इंजन पूरा ओवर हीट हो रहा है। क्यों हो रहा है, व्हील को चिपक के और हम लोगों का जाम्प हो जाता है, देखिए गर्म हो गया है, पूरा गर्म हो गया है। तो गाइस देखो, डीस अगर जाम्प हो जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है। सबसे दिक्कत होता है इंजन हम लोगों का हीट होने को चालू होता है और बाइक का पिकअप कम जाता है, ताकत नहीं मिलता है। तो गाइस मुझे इस डिस्क को ठीक करना है, सही करना है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी प्रॉब्लम आता है और आप लोग क्या करें, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कैलिपर को खोलेंगे और कैलिपर के अंदर क्या बीमारी है वो हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग का व्हील नहीं घूम रहा है, देखो इतना जोर से घुमा रहा हूँ, नहीं घूम रहा है। तो चलिए हम नाट खोलते हैं, इस गग की मदद से हम लोग काम करेंगे। और इसे अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को परचेस लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। जब मैं लिया था 8000 रुपये कीमत है, अभी अपडेट आपको रेट मिल जाएगा। चलिए नहीं निकल रहा है, देखो नहीं निकल रहा है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ जो व्हील हम लोग एक्चुअली जाम है या फ्री है, देखिए देखो पानी जैसे हम लोगों का व्हील फ्री है, ठीक है। तो व्हील में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का प्रॉब्लम है जो कैलिपर है, हम लोगों का पिस्टन है ये ठीक से नहीं खेल रहा है और ये जो कैलिपर है ये नहीं खेल रहा है, देखो इसका रीजन से ऐसा हो रहा है। तो मैं चेकअप करूँगा, ये कैलिपर अगर फ्री हो जाए तो ट्राई करूँगा, उसके बाद नहीं होता है तो इसके अंदर हम लोग का ओरिंग होता है, वो चेकअप करेंगे। तो पहले हम कैलिपर को फ्री करेंगे, तो चलिए फ्री करते हैं। अभी चलेगा कुछ दिन, लेकिन बदलना बहुत सही है, चलेगा बाद में देखता हूँ। अब असली खेल हम लोगों का इस कैलिपर पे है, ये कैम हम लोगों का देखो नहीं खेल रहा है। इसका रीजन से हम लोगों का क्या हो रहा है, जो बाइक में व्हील जाम कर रहा है गाइस, सच में यही प्रॉब्लम है। देखिए नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत बहुत मुश्किल करके आया है। तो ये कैलिपर क्यों जाम हो रहा है मैं आपको बताता हूँ गाइस। इसके अंदर हम लोगों का जो रबार है, ये रबार हम लोगों का बड़ा हो चुकी है, फूल चुकी है। अब क्या है, इसके अंदर काटिंग अगर भरे तो ये हम लोग का रबार छोटा हो जाता है और जैसे कि जाम घुस जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए हम लोगों का कैलिपर कितना फ्री है, देखो जा रहा है इजी आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को ये दोनों रबार सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे, इस रबार को चेंज करेंगे, ये दोनों रबार को हम लोग चेंज करेंगे गाइस, नया लगाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग सफाई करेंगे अच्छी तरह से और इसको भी सफाई करेंगे। तो चलो सफाई करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ और नया माल प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से लाता हूँ, लखनऊ के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने जैसे कि यहाँ देख रहे हो, ये पुराना रबार है और ये वाला नया रबार है। तो देखो ये रबार हम लोगों का थोड़ा बड़ा हो चुकी है, फूल चुकी है। और यहाँ देखिए ये रबार हम लोगों का एकदम फूल चुकी है, देखो, और एकदम हम लोगों का टाइट फिटिंग है। तो चलो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो हम लोगों का कैलिपर का जो सिस्टम है, ये सिरिंज कागज़ से आप लोगों को घसना पड़ेगा, घिसाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये हम लोगों का कैलिपर फ्री जा रहा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। देखो तो यहाँ देखिए हम लोगों का एकदम बराबर सही जा रहा है। ये बहुत ही हम लोगों का महत्वपूर्ण होता है कि ब्रेक शू हम लोगों का जब ख़राब होता है ना, कटता है, तो आहिस्ता करके हम लोगों का ये सिस्टम चेंज होता है। तो इस चेंज को कौन करता है, ये चीज़ करता है। जब एक जगह घिसाई होगा जैसे कि ब्रेक शू का, ये ऑटोमेटिक पोजीशन अपने आप ठीक पोजीशन पे आ जाएगा और डिस्क को जैसे कि चिपक के रहेगा और छोड़ेगा, चिपक के रहेगा छोड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये प्रोसेस हम करते हैं,
अगर ना हुआ तो हम लोग पिस्टन खोलेंगे, इसके अंदर ओ रिंग है वो चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग पिस्टन नहीं खोलेंगे, उससे पहले हम लोग ये लगा के देखते हैं। तो चलो चलो फीडिंग करता हूँ। फीडिंग कर दिया है, बस फीडिंग कर दिया है गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे इस चीज़ को, जिसमें कि हम लोग स्लिपिंग करें, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ढुकाएंगे इसके अंदर। तो पहले एक चीज़ को आप लोग पहले ढुकाइए, देखिए आराम से जा रहा है, और इसको भी हम लोग लुब्रिकेट करेंगे, आराम से जा रहा है। तो चलो एक कैलिपर को हम लोग खेल के देखता है। देखिए हम लोग का कैलिपर एकदम पानी जैसा फ्री हो चुकी है, देखो एकदम कैलिपर हम लोगों का खेल रहा है। तो चलो अब बाकी का प्रोसेस करते हैं, ये पत्ती लगाएंगे। चलो ब्रेक्स को हमने सफाई कर लिया है, अब यहाँ डालेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद अब बस अब हम लोग थोड़ा इसको सफाई करेंगे। बस हाँ गाइस, हमने कैलिपर फिट कर लिया। अब व्हील घुमा रहा हूँ, अभी हम लोग का व्हील जैसे डिस्क ब्रेक नहीं पकड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर हम मुझे लाना है, कंप्रेसर ला रहा हूँ। उसके बाद देखिए गाइस, जैसे कि मैंने कैलिपर फिट कर लिया और रबर किट लगा लिया, और आप लोगों को दिखाता हूँ जी। एक्चुअली हम लोग का डिस्क जाम कर रहा है कि नहीं, देखो ब्रेक भी हम लोगों का सही बन चुकी है। अब व्हील को हम घुमाते हैं, देखिए एकदम हम लोगों का व्हील जाम हो चुकी, फ्री हो चुकी है गाइस। देखिए तो गाइस, व्हील भी ब्रेक हम लोगों का एकदम पूरा फ्री हो चुकी है। तो आप लोगों ने देखा जो रबर का कारण हम लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था, दोनों रबर लगाने के बाद बिल्कुल एकदम डिस्क ब्रेक हम लोगों का एकदम बढ़िया हो गया है। तो गाइस इसी तरह से डिस्क ब्रेक का काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।